डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग विद ए फ्रेश वीडियो स्पॉटिंग एरर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सो सी, कुछ नई समस्याओं के साथ में हम एरर डिटेक्शन या स्पॉटिंग एरर्स, वट एवर यू कॉल, जो भी आप कहें, उसके साथ आए। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में क्या एरर है। ए मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग। तो कैन नॉट बी कॉल्ड यंग, कॉल्ड के साथ में जो भी आता है शब्द, नाउन या एडजेक्टिव, उसके साथ जो है एज का यूज नहीं करते हैं। एरर इज इन सी, एज शुड नॉट बी देयर, द एरर इज हियर। नेक्स्ट सेंटेंस वन, ही इज बीइंग वेरी पोलाइटली फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पोलाइटली, तो वेरी पोलाइटली ही इज बीइंग, देखिए यहां पे पोलाइटली जो है एडवर्ब है, और एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई करता है, नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बकाया पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 6 वर्ड्स होते हैं उन सबको मॉडिफाई आपका एडवर्ब करता है। यहां पे किसको मॉडिफाई कर रहा है, ही को, ही इज बीइंग पोलाइट। तो यहां पे जो है पोलाइटली की जगह पे पोलाइट यानी कि एडजेक्टिव का यूज होगा, किसका होगा, एडजेक्टिव का। तो एरर किस में आ गई, बी में आ गई इसमें। नाउ सी द थर्ड सेंटेंस, ही इज इनफ टॉल टू बी सेलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। तो आप देख रहे हैं, आप जानते भी हैं, इनफ का यूज एडजेक्टिव के बाद होता है और नाउन से पहले होता है, ये ध्यान रखना। इनफ का यूज क्या कहा मैंने, नाउन से पहले होता है डिटरमिनर के रूप में और एडजेक्टिव के बाद होता है। तो यहां पे आप देखिए, ये टाल एडजेक्टिव है, तो किस तरह से बनेगा, ही इज टाल इनफ टू बी सेलेक्टेड, वगैरह वगैरह सेंटेंस जो भी है वो हम देख सकते। अब देखिए आप, ही इज निगार्ड एंड सेव्स ईच एंड एवरी पाइस। तो निगार्ड मीन्स होता है माइजर यानी कि कंजूस, और ये नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, और नाउन बिना आर्टिकल के आता नहीं है। वैसे भी मैंने बताया है आर्टिकल में, सिंगुलर नाउन को कभी खुला मत छोड़ना। अगर किसी नाउन सिंगुलर नाउन है और उसके साथ कोई डिटरमिनर या अन्य कोई चीज नहीं आ रही है, डिटरमिनर या और कोई आर्टिकल वगैरह नहीं आ रहा है, कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है उसके साथ ए आई एन जो भी सुटेबल पड़े उसके प्रोनंसिएशन के हिसाब से, तो वो यूज कर दें। तो ही इज ए निगार्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ए निगार्ड, यहाँ पे ए लग जाएगा और ये इस तरह से एरर आपकी ए पॉइंट में आ रही है। ठीक है, आई हैव नेवर सीन ए कोवार्ड मैन लाइक सोहन। पूरे सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं है ऐसा लगता है इसके देखने में, लेकिन इसमें एक टेक्निकल मिस्टेक है जो हम और आप गलत यूज करते हैं, कि मैन से पहले ए कोवार्ड मैन, तो कोवार्ड एडजेक्टिव लग रहा है जैसा हम समझते हैं, है नहीं ऐसा। तो यहां पे कोवार्ड में क्या है कि कोवार्ड शब्द जो है वो नाउन है, कोवार्ड क्या है, नाउन है, इसका एडजेक्टिव क्या होगा, कोवार्डली, ये क्या होगा, एडजेक्टिव, ठीक है ना, और इसका एडवर्ब क्या होगा, इन ए कोवार्डली मैनर, इन ए कोवार्डली मैनर। एडजेक्टिव की जगह, एडवर्ब की जगह, सॉरी, ये यूज करेंगे, और ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव क्या होगा, कोवार्डली, ठीक है ना, देखने में क्या लगता है, कोवार्डली एडवर्ब है, जबकि ऐसा नहीं है, कोवार्डली एडजेक्टिव है और कोवार्ड नाउन है। तो ये यहां पे आपकी एरर आ गई बी पॉइंट में, कोई रीजन समझ में आ गया होगा, ये चीज आप ध्यान दें, या मैंने नीचे लिख दी है। इसके बाद में इसी से रिलेटेड, कोवार्ड से रिलेटेड, द नेक्स्ट सेंटेंस इज, एक सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट कोवार्डली। तो कोवार्डली आपका एडजेक्टिव है, फाइट वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, एडवर्ब, तो यहां कोवार्डली के स्थान पर क्या आ जाएगा, एडवर्ब आएगी, और एडवर्ब इसकी क्या बनती है, इन ए कोवार्डली मैनर। तो ये यहां पे आना चाहिए, कोवार्डली नहीं आएगा, तो ये आपकी एरर आपकी सी नंबर में जा रही है। क्लियर,
इसके बाद में देखते हैं सेंटेंस नंबर 7, आई सी हिम ऑफन एट द बस टर्मिनल। तो देखिए ऑफन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हैं आवृत्ति बताती हैं। तो और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान भी ये एडवर्ब होती है, ये ध्यान रखना। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जहाँ कंसेप्ट वाला पढ़ाया है वहाँ पे, उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं इस चैनल पे, ठीक है। तो ऑफन जो है मेन वर्ब के पहले आता है, ऑफन हुआ, ऑलवेज हुआ, नेवर हुआ, यूजुअली, मैन यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ये सारे वर्ड जो है मेन वर्ब के पहले आते हैं, सारे एडवर्ब्स हैं, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब कहे जाते हैं। तो ये ऑफन यहाँ आएगा और यही इसी रीजन से, दिस इज द रीजन द एरर गोज टू पॉइंट नंबर ए, माई फादर इज वेरी क्विकर देन आई एट चेस। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ज़्यादातर बच्चे आई में देखेंगे कि ये वर्ब के बाद आया है तो आई का मी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने डिग्री वाले पोर्शन में वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, कंपेरेटिव डिग्री वाला, उसमें समझाया है और उसके मैंने स्पॉटिंग एरर्स भी डाले हैं काफ़ी हद तक। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जब कंपैरिजन, ए आई का कंपैरिजन किससे हो रहा है, माई फादर से, तो सब्जेक्ट से कंपैरिजन जब हो रहा है तो देन के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन होता है तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आता है, और जब चूंकि माई फादर सब्जेक्ट है उससे कंपैरिजन हो रहा है तो आई इज करेक्ट हियर, क्लियर, आई यहाँ पे सही है। आप यहाँ पे देखते हैं दूसरी स्थिति, देखते हैं क्विकर के साथ में वेरी का यूज नहीं करते, मच का यूज करते, ये ध्यान रखना। क्विकर के साथ में बोलो अपने मुंह से, जो लोग वीडियो देख रहे हैं स्पीक आउट, क्विकर के साथ में मच का यूज करते हैं, वेरी का यूज नहीं करते हैं। तो ये एरर गोज टू पॉइंट नंबर बी, ये थोड़ा सा पॉइंट डीप हो गया है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सी इज नाइदर डम्ब और डीप, पॉइंट नंबर 9, सी इज आइदर डम्ब और डीप, यहां तक तो कोई सेंटेंस में दिक्कत नहीं है, आइदर के साथ नॉर का यूज हो गया है, इफ नॉट बोथ। तो बेटा ये समझ में नहीं आया, आइदर नाइदर अगर दोनों नहीं है तो डम्ब और डीप है, अगर दोनों नहीं है तो या तो डम्ब है या डीप है, ये सेंस भले ही सही लग रहा हो, यहां पे नॉट बोथ की जगह पर नाइदर क्या आएगा, यदि दोनों में से कोई नहीं है तो डम्ब और डीप तो है, तो इफ नॉट बोथ की जगह इफ नाइदर शब्द का यूज यहां पे किया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो एरर गोज टू पॉइंट नंबर सी। अब नाउ सी द लास्ट सेंटेंस, दैट इज द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू टॉक लाउडली, नो एरर। अब इसमें बेटा लाउडली भी एडवर्ब है, लाउडली क्या है, लाउडली एडवर्ब है, तो ग्रामेटिकली तो ये सही है, और एक शब्द इसका और होता है अलाउड, क्या होता है अलाउड, ये इसी में शामिल है, ये दोनों शब्द लाउड से ही बने हैं लेकिन ये अलग अलग सेंस में यूज होते हैं, वो चीज समझ लीजिए। लाउडली शब्द का यूज जो है शोर करने के सेंस में आता है, जैसे किसी को इरिटेशन हो रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो वो कह सकता है यू आर टॉकिंग वेरी लाउडली, तो उसको मतलब ये शोर वाली स्थिति में आ गया। जबकि यहां पे कह रहा है टीचर बच्चों से कह रहा है थोड़ा जोर से बोलो, माने क्लियर बोलो, जो क्लियर समझ में आ जाए, यहां नॉइज वाली बात नहीं है, थोड़ा जोर से बोलना है, स्पष्ट बोलना है। तो क्लैरिटी के लिए लाउडली का यूज नहीं करते हैं, अलाउड का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। और जब अलाउड का यूज करते हैं तो एरर गोज टू पॉइंट नंबर सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।